हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारी ये 6वीं क्लास है और जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और जो लोग नहीं किए हैं वो भी कर लें। ठीक, तो हम आते हैं आज के पहले सवाल पर। गऊदान मशहूर नावल है, ये किसकी तख्लीक है? यानी गऊदान नावल किसने लिखा है? बेदी, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, रतन्ना सरसार। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। किसने लिखा है? प्रेमचंद। प्रेमचंद ने जो ये नावल लिखा है, ये इनका शाहकार नावल है। गऊदान, गांव की मौसत को पेश किया गया है, ये इनका बहुत ही शाहकार नावल है और ये लिखा गया है 1936 में। कब लिखा गया है ये? 1936 में। और इस नावल गऊदान में कुल 36 अबवाब हैं। कितने अबवाब हैं? 36 अबवाब। क्लियर। और गऊदान जो नावल है, इसकी जो शुरुआत होती है वो बिलारीपुर गांव से होती है। कौन गांव से? बिलारीपुर। अगर पूछा जाए कि बिलारीपुर गांव से किस नावल की शुरुआत होती है, तो हो जाएगा ये गऊदान। प्रेमचंद ने सबसे पहले ये जो नावल है गऊदान, ये सबसे पहले उन्होंने हिंदी में लिखा था, सबसे पहले हिंदी में लिखा था, बाद में उर्दू में हुआ। और एक चीज़ और जानिए कि गऊदान का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? गऊदान का उर्दू तर्जुमा किया था इकबाल वर्मा शहर ने। क्या नाम है? इकबाल वर्मा शहर। इकबाल वर्मा शहर ने इनका जो है तर्जुमा किया था। समझ आ गया ना? यानी ये उर्दू में तर्जुमा किया था। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके अलावा इस नावल में जो किरदार वगैरह हैं, एक रहता है हूरी। क्या नाम है उसका? हूरी रहता है। और हूरी का एक, हूरी की बीवी है, उसका नाम धनिया है। हूरी की बीवी का नाम धनिया है। और इसका एक बेटा रहता है गोबर। क्या नाम रहता है? गोबर। और गोबर की दो बहन होती हैं, एक का नाम होता है सोना, एक है रूपा। रूपा बड़ी है, हालांकि रूपा सोना, ठीक है। और हूरी का एक भाई होता है, उसका नाम होता हीरा। और हूरी ने गाय खरीदी थी और जिसको हीरा ने, उसके भाई ने उनकी गाय को जहर दे दिया था। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। यहीं से जो है हूरी जो है एकदम गरीब हो जाता है और कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो हूरी जो है गांव का बहुत ही ईमानदार किसान होता है और हूरी को लोग, गांव के लोग प्यार से महतव कहते हैं। क्या कहते हैं? महतव। हूरी का क्या नाम है? हूरी को क्या कहते हैं? महतव कहते हैं। हीरा कौन है? उसका भाई है। गोबर कौन है? हूरी का बेटा। धनिया हूरी की बीवी। सोना रूपा कौन है? हूरी की दो बेटियां हैं, या कह सकते हैं गोबर की बहन है। समझ आ गया ना? तो गऊदान, गऊदान कब लिखा गया? 1936। कितने अबवाब हैं? 36 अबवाब है। किस नावल की शुरुआत बिलारीपुर गांव से होती है? तो ये हो जाएगा गऊदान। गऊदान का उर्दू तर्जुमा किसने किया? इकबाल वर्मा शहर ने किया, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और ये चीज़ देखिए कि 1936 से प्रेमचंद का बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 1936 में इन्होंने नावल लिखा है, 1936 में ये नावल लिखा है, 36 अबवाब हैं। कितने अबवाब? 36 अबवाब हैं। और 1936 में ही इनका इंतकाल हुआ था। उसी दौरान 1936 में क्या हुआ था? उनका इंतकाल हुआ था। और 1936 में ही तरक्की पसंद कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ में हुई थी, उसकी सदारत भी प्रेमचंद ने की थी, ठीक है। 1936 में सदारत भी की थी। समझ आ गया ना? तो 1936 से बहुत सारी चीज़ें कामा ने जुड़ी हुई हैं, इसको आसानी से याद किया जा सकता है। तो 1936 में नावल लिखा गया और 36 अबवाब में है। 1936 में हिंद का इंतकाल हुआ। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसकी सदारत भी प्रेमचंद ने की थी। क्लियर हो गया ना? चलिए, तो ये हो गया सवाल नंबर एक, गऊदान। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है? प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन में देखिए, प्रेमचंद का पूरा नाम है धनपत राय। क्या नाम है? धनपत राय इनका नाम है, मुंशी धनपत राय।
और ये जो प्रेमचंद है ये कलमी नाम है। कलमी नाम क्या है? प्रेमचंद ये कलमी नाम है। और एक है दया नारायण निगम, जो एक अखबार निकाल ये उनका अखबार निकलता था कानपुर से, उसका नाम था दया नारायण निगम, एक ज़माना के नाम से अखबार निकलते थे, ठीक है, वो प्रेमचंद के दोस्त थे। दया नारायण निगम उनका नाम था, दया नारायण निगम, दया नारायण निगम नाम था, वो प्रेमचंद के दोस्त थे, ठीक है, और ये एक अखबार निकालते थे कानपुर से, उसका नाम था ज़माना, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि फिर से लिख दे, कानपुर से एक रिसाला निकलता है उसका नाम रहता है जमाना, और उसको निकालते हैं कौन? दया नारायण निगम निकालते हैं, वो प्रेमचंद के दोस्त रहते हैं। किसके दोस्त रहते हैं? प्रेमचंद के दोस्त रहते हैं दया नारायण निगम। तो दया नारायण निगम ने ही इनका नाम जो है प्रेमचंद रखा था, ठीक है। हालांकि इनका असल नाम क्या है? धनपत राय, मुंशी धनपत राय। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय, और उनका नाम प्रेमचंद किसने रखा था? वो दया नारायण निगम, जो रिसाला जमाना के मुदीर थे, मालिक थे, उन्होंने ही प्रेमचंद, उन्होंने ही धनपत राय का नाम प्रेमचंद रखा था, ठीक है। और इनको नवाब राय भी कहा जाता है, इनकी उर्फियत है नवाब राय, नवाब राय इलाहाबादी, इलाहाबाद में पढ़ते थे तो नवाब राय इलाहाबादी के नाम से बहुत मशहूर थे, ये उनकी उर्फियत थी। नवाब राय जो नाम रखा था इनके चचा ने रखा था, किसने रखा था? चचा ने नाम रखा था, ठीक है ना। ये सारी बातें मालूम रहना चाहिए कि प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय, कलमी नाम प्रेमचंद, प्रेमचंद नाम किसने रखा था? दया नारायण निगम ने, जो रेसाला कान उसे निकालते थे जमाना के नाम से, उन्होंने रखा था, ठीक है। और नवाब राय नाम किसने रखा? चचा ने रखा, और नवाब राय इनकी उर्फियत है। क्लियर हो गया ना ये सवाल? चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्लामा इकबाल का मज़ार किस शहर में है? अल्लामा इकबाल का मज़ार तो सियालकोट, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहाँ पे है इनका मज़ार? यानी इंतकाल के बाद इनको जो है लाहौर में दफन किया गया था। पैदाइश कहाँ हुई थी? सियालकोट में। कब? 9 नवंबर, 9 नवंबर 1877 को ये सियालकोट में पैदा हुए थे, 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए थे, और इनका इंतकाल 1938 में हुआ था लाहौर में, 1938 लाहौर, लाहौर में ही इनको दफन किया गया है, और वहीं इनकी मज़ार है, समझ आ गया ना। तो अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ पे है? लाहौर में, समझ आ गया ना। चलिए और देखिए, अल्लामा इकबाल 1938 में जब इंतकाल फरमाए थे तो इनको बीमारी हो गई थी, नज़ला पहले हुआ, फिर जॉइंट फ्लो में तब्दील हुआ, फिर बाद में सांस लेने में दिक्कत हुई थी, दमा वगैरह की बीमारी हो गई, और उसी में इनका इंतकाल हुआ। तो प्रेमचंद, सॉरी, अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल की जो आखिरी नज़्म थी, आखिरी नज़्म थी, उसका नाम था हज़रते इंसान। क्या नाम था? हज़रते इंसान। अल्लामा इकबाल की आखिरी नज़्म हज़रते इंसान, ठीक है। और एक कौल है कि इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया, ठीक है, ध्यान से सुनिए कि इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया, ये कौल किसका है? ये कौल, ये बात किसने कही है? ये कही है अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, ये सर अब्दुल कादिर हैं, अल्लामा इकबाल के दोस्त थे, अल्लामा इकबाल के दोस्त थे, और एक रेसाला निकालते थे मखजन के नाम से, ठीक है। सर अब्दुल कादिर ने एक रेसाला निकाला था मखजन के नाम से, ये अल्लामा इकबाल के दोस्त थे। तो इन्हीं का कौल है अब्दुल कादिर का, सर अब्दुल कादिर का कौल है कि इकबाल के रूप में गालिब ने जो दोबारा जन्म लिया, और ये कौल कहाँ पे मिलेगा आपको? तो बागे दरा, जो अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ, बागे दरा, पहला शेरी मजमुआ क्या है? बागे दरा। बागे दरा का दीबाचा किसने लिखा था? अब्दुल कादिर ने। बागे दरा का दीबाचा अब्दुल कादिर ने। तो जब बागे दरा का दीबाचा अब्दुल कादिर ने लिखा, उसी दीबाचे में ये बात लिखी है कि इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया, यानी अल्लामा इकबाल ही बहुत अच्छे शायर हैं, बड़े शायर हैं, गालिब भी बहुत बड़े शायर हैं। तो गालिब पहले इंतकाल फरमा गए, बाद में अल्लामा इकबाल का ज़माना आता है,
तो कहते हैं कि जब गालिब इतना बड़ा शायर था और जो इंतकाल फरमा गया, इंतकाल हो गया, तो उसकी रूह तड़प रही थी गालिब की कि मैं किसी तरीके से फिर दोबारा पैदा हो जाऊँ। तो गालिब की रूह ने इकबाल के जिस्म में दाखिल होकर के तब मतलब अल्लामा इकबाल पैदा हुए। ठीक है, तो यानी एक कौल कहा है अब्दुल कादिर ने, बस आपको उसी हिसाब से याद करना है। यानी इनका कहने का मतलब है कि इकबाल के जिस्म में गालिब की रूह है, तो इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया। किसका कौल है? अब्दुल कादिर का। ठीक है, किस किताब में दर्ज है? बागेदरा। अगर पूछे बागेदरा का दीवाजा किसने लिखा? अब्दुल कादिर। अल्लामा इकबाल की आखिरी नज़्म कौन थी? हजरत इंसान। और ये किस मजमू में शामिल है? तो इनके चौथे और आखिरी मजमू में, बागेदरा बाल जिब्र ज़रब कलीम अरमगान हिजाज, जो चौथा मजमू है अरमगान हिजाज, उसी में ये नज़्म शामिल है। समझ आ गया ना? तो ये थे अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल किस शहर में पैदा हुए? सियालकोट में पैदा हुए। पैदा कहाँ हुए? सियालकोट में पैदा हुए। इंतकाल कहाँ हुआ? लाहौर में इंतकाल हुआ। मज़ार कहाँ पे है? लाहौर में मज़ार है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। चलिए हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, लेकिन इंतकाल कहाँ हुआ? तो मीर की पैदाइश कहाँ हुई? आगरा में। कब पैदा हुए थे मीर? 1722 में पैदा हुए थे। 1722 में ये पैदा हुए थे। और जब आगरा पैदा हुए तो बाद में ये दिल्ली में चले आए, दिल्ली में शायरी की। कहाँ शायरी की? दिल्ली में। उसके बाद जो है, जब दिल्ली बर्बाद हो रही थी, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जब दिल्ली को लूट रहे थे, उसके बाद ये लोग जो है चले आए लखनऊ। और लखनऊ आए तो लखनऊ में मीर तकी मीर ने 31 बरस बड़े आराम से गुजारे। कितने? 31 बरस। 31 बरस तक मीर तकी मीर लखनऊ में थे, और लखनऊ में ही रह करके इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, तो इंतकाल कब हुआ है? 1810 में। तो 1810 में कहाँ इंतकाल हुआ? लखनऊ में। पैदाइश कहाँ हुई? आगरा में। समझ में आ रही बात ना? तो ये हैं मीर तकी मीर। कब पैदा हुए? 1722 में। कहाँ पे ये शायरी की सबसे पहले? तो दिल्ली में शायरी की। और इनका ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तो दिल्ली दबिस्तान से है। शायरी देखिए, पहले सबसे पहले कहाँ की थी? दिल्ली में की थी। बाद में लखनऊ में भी की, हालांकि 31 बरस लखनऊ में गुजारे, लेकिन इनका शुमार दबिस्तान दिल्ली में ही होगा, क्योंकि सबसे पहले शायरी इन्होंने दिल्ली में ही की है। तो जहाँ पहले शायरी की होती है, भले ही वहाँ से जो है चले गए हों, तो इनका शुमार उसी में होगा। तो दबिस्तान दिल्ली से मीर तकी मीर का ताल्लुक है। समझ आ गया ना? उसके बाद जो है दिल्ली में इंतकाल फरमा जाता है, और कब्र इनकी होती है, लेकिन वहाँ रेलवे लाइन बिछा दी जाती है, रेल की पटरी बिछा दी जाती है, रेलवे लाइन। और इनकी कब्र का अता पता नहीं है, बस हाँ मालूम था कि हाँ वही सिटी स्टेशन के पास रेफा आम क्लब के मैदान में जो था उसी के पास में थी। तो वहाँ से उनके जो है एक निशान बना दिया गया दूर ला करके, और उसका नाम रख दिया गया निशान मीर। और उसी पर एक शेर लिखा हुआ, मैंने शेर बताया था कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये मीर तकी मीर का शेर है, और उनके जो निशाने मीर बना हुआ है उसी पर ये शेर दर्ज है। समझ आ गया ना? तो ये मीर तकी मीर की बात हो रही थी। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चराग मुफलिस का। ठीक है, दिल हुआ है चराग मुफलिस का। ये किस शायर का शेर है? ये जो है मीर तकी मीर का शेर है। किसका शेर है? ये मीर तकी मीर का शेर है। शाम से कुछ बुझा सा रहता है, और दिल हुआ है चराग मुफलिस का। हालांकि शेर ज़्यादातर जो चलन में है वो इस तरीके से है कि शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ लफ्ज आया उसमें, दिल हुआ है चराग मुफलिस का। तो ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का। इसी तरीके से मुसफ़ी का भी एक शेर है कि शाम से कुछ बुझा सा रहता है, गोया गोया है चराग मुफलिस का। ठीक है, उसमें लफ्ज़ गोया आया है, यहाँ दिल की जगह गोया आया है। तो गोया अगर आ जाएगा, एक वर्ड से पकड़िए, अगर गोया आ जाएगा यहाँ पे, तो मुसफ़ी का शेर होगा। बस समझ आ गया ना? शेर इसी तरीके से है, सिर्फ यहाँ लफ्ज़ गोया आ गया। ये शेर किसका है? ये
ये है मीर तकी मीर का, समझ आ गया ना। शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का, ये किसका है, मीर तकी मीर का। शायर बेदिमाग कौन है, खुदाए सुखन मीर, समझ आ गया ना। और गज़ल का बादशाह कौन, मीर तकी मीर, तो इन्हीं को कहा जाता है। खुदाए सुखन ना खुदाए सुखन, शायर बेदिमाग, गज़ल का बादशाह, कौनूती शायर का इमाम, मीर ने नकातो शोरा लिखी है, ठीक है। जिक्र मीर इनकी आप बीती है, खुद नबिस्त है, खुद नबिस्त है, जिक्र मीर के नाम से लिखी थी, फारसी जबान में लिखी थी, समझ आ गया ना। चलिए अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। नक्श फरियादी है किसकी सोखी है तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, ये किसका शेर है। ये बहुत ही मशहूर शेर है, मिर्ज़ा गालिब का शेर है और उनके दीवान का पहला शेर है। गालिब के दीवान का पहला शेर, नक्श फरियादी है किसकी सोखी है तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, ठीक है। इसके कई माने निकलते हैं, इसमें तहदारी है, क्या है इस शेर में, तहदारी है, इसके कई माने निकलते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी तारीफ बताई है। तो इसकी तारीफ एक ये है कि नक्श फरियादी है किसकी सोखी है तहरीर का, कागजी है पैरहन है पै करे तस्वीर का। यानी गालिब साहब ईरान का हवाला देते हुए कहते हैं कि ईरान में जब कोई फरियादी, ईरान में जब कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर बादशाह के सामने जाता था, तो उसका पैरहन यानी पहनावा कागज़ का हुआ करता था और ये देखकर बादशाह समझ जाता था कि ये कोई फरियादी है, ठीक है, अपनी फरियाद अर्ज कर रहा है, तो उसको देखकर बादशाह समझ जाता था, समझ आ गया ना। तो ये गालिब के दीवान का पहला शेर है और ये शेर किसका है, गालिब का। क्लियर हो गया मैम। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। गुलों ने रंग भरे बादे नौबहार, चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, ये बहुत ही मशहूर शेर है। किसका है ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार, चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, तो ये शेर है फैज़ अहमद फैज़ का, बहुत ही मशहूर शेर है। फैज़ का शेरी मजमूआ नक्श फरियादी, उसका पहला शेरी मजमूआ क्या, फैज़ का नक्श फरियादी, दूसरे का नक्श फरियादी पहला हो गया, दूसरा दस्त सबा जिंदा नामा दस्त तह संग सरवादिय सीना, ये सब क्या है, ये सब इनका शेरी मजमू है। इसके अलावा इनका एक सफ़रनामा भी है, सफ़रनामा एक क्यूबा, क्यूबा का सफ़र किया था तो इनका एक सफ़रनामा भी है, समझिए ना। और एक चीज़ बता दें कि ये जो नक्श फरियादी जो है फैज़ का पहला शेरी मजमूआ है, इसका जो नाम लिया, इस शेरी मजमूआ का नक्श फरियादी जो नाम लिया है फैज़ ने, ये गालिब के शेर से लिया है। गालिब का वही शेर अभी भी जो पिछला सवाल था कि नक्श फरियादी है किसकी सोखी है तहरीर का। तो अगर पूछा जाए कि गालिब फैज़ ने अपने पहले शेरी मजमूआ का नाम किस शायर के शेर से अखज़ किया है, तो हो जाएगा वो गालिब, समझ आ गया ना। तो ये हो गया, ये हो गई बात फैज़ अहमद फैज़ की। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, ये सवाल तो कई बार हो चुका है कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस थी, उसकी सदारत प्रेमचंद ने की थी 1936 में लखनऊ में रिफॉर्म क्लब के मैदान में, ठीक है। उसके बाद 36 के बाद दूसरी हुई 38 में, 36 के बाद 38, फिर 42, फिर 45, फिर 47, फिर 49, फिर 53, ठीक है। इस तरीके से एक के बाद एक कुल कितनी हुई थी, इस तरीके से एक के बाद कुल एक कितनी हुई थी, 7 कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, 7 ही सही है। और ये जो है खलीलुर रहमान आज़मी की किताब है, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक उसमें दर्ज है, ठीक है। और बाज़ किताबों में 8 लिखा है, जैसे अली सरदार जाफरी की तरक्की पसंद अदब है या अजीज़ अहमद की किताब है तरक्की पसंद अदब, उसमें भी 8 है। लेकिन जो आम तरीके से जो सवाल बनाए जाते हैं, आयोग वाले सवाल बनाते हैं, वो जो है खलीलुर रहमान आज़मी की किताब से ही बनाते हैं, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तो कुल कितनी कॉन्फ्रेंस हुई थी, 7 हुई थी, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल। न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा, ये किसका है, ये क्या है, इसमें इसमें कौन सी सनद पूछी गई है,
कि लफ़ो नसर मुरत्तब है कि गैर मुरत्तब है कि लफ है कि क्या है इसमें, ठीक है। तो हमने बताया था ना एक बार कि, या पिछले वीडियो में आप जाकर देख लेंगे जो पड़ी हुई है हमारे, लफ़ो नसर की तारीख देख लेंगे। उसमें ये होता है कि शेर है, कोई शेर हो और उसमें कुछ अल्फाज आए, ठीक है, और उसी की मुनासिबत से दूसरे मिसरे में भी अल्फाज आए, यानी एक पहला मिसरा ये, दूसरा मिसरा ये, पहले मिसरे में कुछ अल्फाज इस तरीके से आए और दूसरे मिसरे में कुछ इस तरीके से आए जो उसकी मुनासिबत रखते हों, मतलब कि इस तरीके से मुनासिबत रखते हों इससे। जैसे है कि ना हिम्मत ना किस्मत ना दिल है ना आँखें, ठीक है, क्या है, ना हिम्मत ना किस्मत ना दिल है ना आँखें, चार ऊपर हो गया, ठीक, उसी तरीके से मान लीजिए चार हो गया, तो उसी तरीके से न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। अब आपस में मुनासिबत रखते हैं, जैसे देखिए न हिम्मत, हिम्मत हिम्मत से ढूंढने का काम, किस्मत से पाना, दिल को समझाना, आँख से देखना, यानी एक चीज़ें दूसरे से मुनासिबत रखती हैं, सारी चीज़ें मुनासिबत रखती हैं। जब पहले मिसरे में आई हुई किस चीज़ें दूसरे मिसरे में अलल तरतीब यानी तरतीब वार मुनासिबत रखती हैं तो उसको कहेंगे लफ़ो नसर मुरत्तब। मुरत्तब माने होता है एकदम तरतीब वार, क्या हो जाएगा, तरतीब वार। और गैर मुरत्तब किसे कहते हैं, मान लीजिए जो भी चीज़ें आई हैं और वो तरतीब उल्टी हो गई हो, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना हिम्मत ना किस्मत ना दिल ना आँखें और ना ढूंढा, अगर यहाँ ढूंढा की जगह पाया होता, अब पाया की जगह ढूंढा होता, यानी तरतीब इसकी उल्टी हो जाती, इस तरीके से हो जाती, यानी तरतीब उलट जाती, यानी गैर मुरत्तब हो जाती, तब उसको कहते हैं, तब उसको कहेंगे गैर मुरत्तब। समझ आ गया ना, यानी जो मुनासिबत है वो एकदम सीधे सीध ना हो करके, तरतीब वार ना हो करके आगे पीछे हो, तो उसको कहेंगे गैर मुरत्तब। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, लफ़ो नसर मुरत्तब यानी तरतीब वार दी गई है। समझ आ गया ना, तो ये हो गया ये वाला सवाल। अब इसके बाद जो है अगला सवाल मैं अगले ऑडियो में बनाऊंगा। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम।